तो गाइस यार आज की वीडियो बहुत ही खतरनाक वाला होने वाला है क्योंकि आप सभी का कमेंट यहाँ पे पिक क्यों भाई ने कमेंट किया है कि भाई इसकी कंफर्म डेट बता देना भाई, कोबरा बंडल चाहिए रिटर्न। और यहाँ पे लिखा है कि ब्रो कोबरा बंडल कुछ पसंद है मुझे, तो कंफर्म डेट जल्दी से बता दो और मेरे कॉमेंट को पिक कर देना। तो पिक तो कर चुका हूँ। भाई ने बोला है कि ब्लैक टी शर्ट कब आएगा और ब्रो आपका UID दे दो। भाई ब्लैक टी शर्ट कर मैं 2 दिन में बताने वाला हूँ पूरे कन्फर्म, ठीक है? तो आप लोग मुझे बहुत कमेंट करते हो। उसके बाद यहाँ पे भाई ने कमेंट किया है कि ओल्ड मैन मार्क्स कब आएगा, 14 जनवरी को या फिर 15 जनवरी को। इसके बाद में भाई ने यहाँ पे मैसेज किया है कि भाई पैसे जमा के रखा हूँ 3500 जैसा, 4500 डायमंड होगा इसमें, क्या निकल जाएगा? हाँ निकल जाएगा। उसके बाद में भाई ने बोला है कि कोबरा बंडल कब आएगा और मुझे कुछ गिफ्ट करने के लिए। भाई गिफ्ट क्या करूँ बोलो। इसके बाद में यहाँ पे बोल रहा है कि भाई स्कॉर्पियो का बंडल रिटर्न कब आएगा। भाई यार स्कॉर्पियो के लिए शायद वेट कर रहा है, बाकी देखो स्कॉर्पियो बंडल आप लोग को कोबरा बंडल के बाद देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पे भाई ने कुछ हेलो हेलो करके मैसेज किया था मुझे, तो मैं उसको तो रिप्लाई दिया हूँ। बाकी उस भाई का भी सेम टू सेम एक ही कमेंट है कि कोबरा बंडल रिटर्न कब आएगा। मतलब यार मैं देखता हूँ ना पूरा यूट्यूब स्टूडियो को जब खोल के, तो उसके अंदर सभी कमेंट से मैं एक ही कमेंट को चेक कर पाता हूँ जो सबसे ज्यादा होता है कि कोबरा बंडल रिटर्न कब आएगा। बस इसको लेके आप लोग कमेंट करते हो, बाकी 2 दिन में वीडियो ला दूंगा। तो आज के वीडियो पर भी मैं आप लोग को थोड़ा बहुत बताऊंगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पे आप लोग थोड़ा बहुत इवेंट देख लो जो इवेंट आप लोगों को बहुत पसंद है और आप लोगों को निकालना चाहिए। इसके लिए भी आप लोग काफी दिनों से वेट कर रहे हो क्योंकि अभी बहुत ही भाई ने मुझे मैसेज वगैरह किए थे कि पोकार MP40 और में कुछ-कुछ भाई ने ऐसा कमेंट किया था, कुछ-कुछ भाई ने ऐसा भी कमेंट किया था कि कोबरा MP40 रिटर्न कब आएगा। तो कोबरा MP40 और में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों ने देखा नहीं है तो बहुत बढ़िया है, आप लोग जाके चैनल पर देख सकते हो। बाकी तो यहां पे आप लोग अभी देख लो कि पोकार MP40 रिटर्न कब आने वाला है। बाकी तो यहां पे आप लोग देखो बहुत ही ओपी टाइप का इवेंट दे रहा है गिरना। यहां पे आप लोगों को यूनिवर्सल का जो टोकन है ना उससे देखने के लिए मिल रहा है, तो गाइस बहुत ही अच्छा है क्योंकि देखो यूनिवर्सल का टोकन है ना बहुत ही जल्दी मिल जाता है, एक तो बात यही है। और दूसरा बात ये है कि बहुत मतलब इवेंट के अंदर से बहुत बंदे को मिल जाता है, तो उसके पास थोड़ा बहुत टोकन रहता ही है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आपके पास कितना सारा यूनिवर्सल का टोकन है, आप लोग पहले कभी भी यूनिवर्सल टोकन की इवेंट के अंदर स्पिन किए हो क्या नहीं। बाकी तो देखो मैं तो बहुत बार स्पिन कर चुका हूँ, इसके लिए मेरे पास तो बहुत सारा मतलब पड़ा हुआ है टोकन, तो मैं तो यहाँ पे एक्सचेंज कर लूंगा, लेकिन मेरे पास तो है पोकर MP40 मैं निकल कर और क्या करूंगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना जरूर से कि आप लोगों को पोकार MP40 चाहिए क्या नहीं। बाकी जो भाई को चाहिए उसके लिए बता देता हूँ, अपडेट के बाद मिलेगा देखने के लिए। इसके बाद में यहाँ पे भाई आप लोगों को मैं बोला था कि समर बीच का इवेंट देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को 2024 में, ठीक है? तो यह तो 2024 चल रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों का समर जो इवेंट देखने के लिए मिलेगा समर बीच का, उसका यहाँ पे आइटम देख लो गाइस। ये आप लोगों का फेब्रुअरी मंथ की नहीं है, ठीक है? आप लोग इसको वैलेंटाइन डे का बंडल पकड़ के मत चलना। यहाँ पे समर बीच का जो इवेंट आएगा उसके अंदर से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे फीमेल का बंडल, मेल का बंडल और भी यहाँ पे काफी कुछ आइटम है, जैसे कि गाड़ी का स्किन देखने के लिए मिलेगा और उसके साथ यहाँ पे गाइस आप लोगों को एक खतरनाक वाली इमोट भी देखने के लिए मिल जाएगा जरूर से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग का टकला वाला बंडल देख लो गाइस। इसका मुझे एक ही चीज अच्छा लगा है, वो है सबसे इसका जो टॉप है ना वो मुझे बहुत पसंद आया है। तो आप लोग को कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद में गाइस इसका जो इमोट है ना बहुत ही खतरनाक वाली इमोट है, आप लोग यहाँ पे देखो गाइस यार हाथ में क्या कुछ दबाता है पता नहीं चलता है। बाकी तो गाड़ी का शायद नंबर दबा दिया और गाड़ी आ गया भाई, ऐसा वाला इमोट तो मैं तो यार इमोट नहीं मैं रियल में यूज़ करना चाहता हूँ भाई। ऐसे में मैं घड़ी के अंदर कुछ ऐसा दबाऊंगा तो उसके बाद मेरे पास गाड़ी आ जाएगा भाई, ये तो मुझे रियल में बहुत ही पसंद आएगा, लेकिन रियल में गिरना कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। बाकी तो गेम के अंदर आता है तो गेम के अंदर ही करना पड़ेगा। अभी आप लोग बताओ कि इन आइटम में से आप लोग को क्या कुछ अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप लोग को फिस्ट का भी स्किन दिया हो जाएगा, लेकिन ये फिस्ट का अभी तक कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन सी इवेंट के अंदर से मिलेगा, ठीक है? अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, बस आप लोग यहाँ पे देख लो। और हाँ एक भाई का कमेंट था ना कि ओल्ड मैन मास्क के ऑर्डर में, तो भाई मैं कल के वीडियो पर आप लोग को पूरे के पूरे कंफर्म बता दूंगा। तो देखो कल या फिर परसों दोनों के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है? आज शाम को भी वीडियो आएगा, दोपहर को भी वीडियो आएगा, ठीक है? तो उनके अंदर भी मैं बता सकता हूँ, आप लोग जरूर से वीडियो को वॉच करना, ठीक है? आज मैं 3 वीडियो टोटल अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है? 3 में ही आप लोग देखना, तीनों में से कोई एक में आप लोग का ओल्ड मैन जो मास्क है ना उसके बारे में बता दूंगा। बाकी तो बात करते करते यहाँ पे थोड़ा बहुत इमोट भी देख लो, और यहाँ पे आप लोग देख लो इसका एनिमेशन की यार काफी अच्छा सा एनिमेशन है, लेकिन जो भाई के पास नहीं है सिर्फ वही भाई निकलना, जिसके पास है काफी सारा एनिमेशन वो निकलना मत, क्योंकि गाइस देखो इससे भी अच्छा अच्छा मतलब हमारे पास है, तो यार क्या करोगे इसको निकाल के गाइस। इससे अच्छा तो बहुत मतलब जो आ चुका है ना वही अच्छा है। आप लोग कमेंट में बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा है। बाकी तो देखो मेरे को तो इतना अच्छा भी नहीं लगा है, बाकी
जो भाई के पास एकदम एनिमेशन की कोई भी स्किन नहीं है वो भाई निकल सकता है। देखो अभी के टाइम पे अगर देता है गिरना तो आप लोगों को कोई फेयरवेल इवेंट या फिर कोई मुको स्टोर के अंदर ही देगा गिरना, तो इसके अंदर से 1100 तक डायमंड जाएगा, सिंपल सा बात है। तो उसके अंदर से कोई भी भाई को चाहिए तो निकल भी सकता है, बाकी तो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग तभी भी निकलना, और आपके पास बहुत सारा डायमंड है तो आप लोग तभी भी निकल सकते हो। बाकी तो गाइस इसके बाद में हम लोग बात करेंगे केओस इवेंट कार्ड में और उसका कैलेंडर और उसका पूरे के पूरे डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग यहाँ पे देख लो। गाइस इसके अंदर ही मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कोबरा बंडल रिटर्न की डेट कार्ड में, क्योंकि गाइस आप में से काफी सारे भाई ने मुझे पूछते हो कि डेट कन्फर्म बताने के लिए। तो पहले यहाँ पे इवेंट देखो, मैं कल की वीडियो पर आप लोग को क्या बताया था कि केओस का इवेंट दिखाऊंगा, तो उसके अंदर ही मैं आप लोग को बताऊंगा कि कन्फर्म डेट क्या होने वाला है। तो यहाँ पे पहले मैं आप लोग देखो इवेंट को, इसके बाद ही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो भाई ओपी टाइप का यहाँ पे इवेंट देखने के लिए मिलता है, और इवेंट के अंदर से देखो भाई आप लोग को क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, मतलब इस टाइप का कुछ स्पिन वगैरह करने के लिए दिया हो जाएगा। इसके अंदर से यहाँ पे आप लोग देखो एक खतरनाक वाली इमोट, भाई यार बहुत ही ओपी टाइप का इमोट है। बाकी आप लोग को कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताना, ये कोई इमोट नहीं था गाइस, आप लोगों को मैं गलती से बता दिया कि इमोट ये बंडल की एनिमेशन है, ठीक है। बंडल आप लोगों को रूप बदलू देखने के लिए मिलेगा, मतलब यार दो कलर पे देखने के लिए मिलेगा, दो कलर नहीं कलर एक ही होगा, बस ये रूप बदलू का बंडल आप लोग का होने वाला है। गाइस यार बंडल को तो यार इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी यार गिरना कोई बहुत सारा डायमंड ऐसा लगेगा इसके अंदर से कोई इवेंट लाएगा और उसके अंदर से आप लोग को दे देगा, जहाँ पे आप लोग बहुत सारा डायमंड को खर्च करने के बाद इस बंडल को निकाल सकते हो। गाइस ये जो बंडल है ना आप लोग का OV43 के अपडेट के बाद गेम का जो आइकन है ना उस पर भी यही बंडल देखने के लिए मिलेगा, ये आप लोग का लेजेंडरी बंडल होने वाला है OV43 अपडेट का। बाकी देखो OV44 अपडेट का मेरे पास एक बंडल निकल के आया है, मैं अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि गाइस अभी देखो मेरे पास सिर्फ उसका प्री ऑर्डर निकल के आया है, ठीक है। बंडल की यार अच्छे से दिखा नहीं पाऊंगा तो दिखा के कोई बात नहीं है, जब उसका थोड़ा बहुत रिव्यू आएगा तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी के टाइम पे आप लोग यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड वगैरह देख लो जो आप लोगों के उस इवेंट पे देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे गुलाल की स्किन से लेकर, गाइस ये वाला गुलाल की स्किन मैं आप लोगों को बहुत दिन पहले दिखा चुका हूँ, आप लोग अगर मेरा डेली व्यूजर हो तो आप लोगों को पता ही है गाइस मैं आप लोगों को बहुत सारा गुलाल की स्किन दिखाया था, वहाँ से ही ये वाला के उस इवेंट का गुलाल निकल के आता है। उसके बाद में यहाँ पे फीमेल की बंडल की बात करें तो शायद आप लोगों को फ्री में भी क्लेम करने के लिए मिल सकता है, बाकी तो देखो यार फीमेल का बंडल क्लेम कर करके मैं बहुत थक चुका हूँ, कोई ऐसा एक मेल का बंडल फ्री में दे दे गेरिना यार, कोई लेजेंडरी तो फ्री में दे दे, क्योंकि गाइस देखो जो भाई ना टॉप अप नहीं करता है उसके पास कोई भी अच्छा बंडल नहीं है, आप लोग देखना जाके जो भाई टॉप अप नहीं करता है तो उसके साथ भी ऐसा होता है ना, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग कितना टॉप अप किए हो आप लोग का आईडी पे, मतलब आप लोग कितने खर्च किए हो आपका आईडी पे। गाइस यार मैं तो ज़्यादा खर्च नहीं करता हूँ अभी के टाइम पे, फिलहाल मैं यहाँ पे बात करते करते कुछ गन स्किन देख लो। गाइस गन स्किन आप लोग को यहाँ पे तीन देखने के लिए मिलेगा, एक फार्मास की होने वाला है, दूसरा आप लोग का बिजियन की शायद होने वाला है, इसको मैं कन्फर्म अभी के डेट पर नहीं करूँगा क्योंकि इस गन की स्किन का जो नाम है ना वो अच्छे से यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, इसके लिए बिजियन की गन स्किन आएगा क्या कन्फर्म तो नहीं बता सकते हूँ, बस यहाँ पे कुछ उसी टाइप का देखने के लिए मिलता है तो आ भी जा सकता है। उसके बाद मैं यहाँ पे AC80 की स्किन को देख सकते हो, और यहाँ पे और एक गन स्किन रहेगा जो आप लोग को M14 की होने वाला है, ठीक है। तो ये वाला गन स्किन आप लोग को जरूर देखने के लिए मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे साइथ की स्किन भी देख सकते हो, ये भी कुछ अच्छा टाइप का आप लोग को दिया जा रहा है। बाकी तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा एनिमेशन डाल के यहाँ पे आप लोग को भी अच्छा टाइप का देखने के लिए मिल जाता है, और इमोट की और में बात करें तो यार एनिमेशन तो यार भर भर के है, मतलब यार ऐसा ये बात है कि आप लोग को ज़्यादा रायमंड पे देखने के लिए मिलेगा, कोई लाख रॉयल आएगा या फिर कोई आप लोगों का टोकन हुई लाएगा या फिर बंडल के साथ भी मिल सकता है देखने के लिए, बंडल जो इवेंट पे देगा गिर ना उस इवेंट के अंदर ही देखना डाल दिया और वहाँ पे आप लोगों का 5000 डायमंड खत्म हो गया। गाइस ऐसे ही बात करते करते आप लोगों का 3000-4000 डायमंड उड़ जाएगा, और आप लोग यार उड़ा के बंडल को भी निकालोगे इमोट को भी निकालोगे, बस वहाँ पे पूरे के पूरे खत्म। और यहाँ पे दो गन स्किन गाड़ी की स्किन देख सकते हो, गाइस गन स्किन नहीं है गाड़ी की स्किन है, तो इनमें से दोनों में से कोई एक मिलेगा, मैं तो कन्फर्म करूँगा कि आप लोग को शायद ये लास्ट वाला ही मिलेगा, ठीक है, जीप वाला नहीं मिलेगा, आप लोग को ये मॉन्स्टर ट्रक वाला मिलेगा, क्योंकि गाइस कैसे मिलेगा मॉन्स्टर ट्रक वाला बता देता हूँ। गाइस आप लोगों को पता है ना कि मॉन्स्टर ट्रक के अंदर कोई भी बंदा बैठता है तो उसमें डैमेज पड़ता है बंदे को, तो इसके लिए आप लोगों को वही गाड़ी का स्किन बाद में गरीना फ्री में देता है, मतलब बहुत सारे इनके अंदर से आप लोग को वही गाड़ी का स्किन फ्री में मिल रहा है। इसके लिए मैं आप लोग को इतना तक ही बता सकता हूँ कि दोनों गाड़ी की स्किन में से आप लोग को ये लास्ट वाला मॉन्स्टर ट्रक वाला ही फ्री में क्लेम करने के लिए मिल सकता है, लेकिन देखो इसके अंदर भी बहुत सारे
एनिमेशन से। अभी गरीना क्या करेगा अभी के डेट में तो मैं आप लोग को बता नहीं सकता हूँ। फिलहाल में ये जो इवेंट है ना, ये आप लोगों को फेब्रुआरी के बीच में देखने के लिए मिलेगा ये सब कुछ इवेंट। तो अभी यार जनवरी का बीच का टाइम चल रहा है, मतलब अभी एक महीना बाकी, एक महीना से पहले आप लोग को वीडियो को दिखा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना। और गाइस आप लोग का बहुत सारा कमेंट भर भर के आ रहा था कि कोबरा बंडल की डेट के बारे में। तो देखो मैं आप लोग को बोला था कि केओस का इवेंट दिखाऊंगा, तो उसके अंदर ही मैं बोलूंगा कि आप लोग का कोबरा बंडल कब तक आएगा। तो गाइस देखो कोबरा बंडल की अभी तक सिर्फ पॉसिबिलिटी डेट निकल के आया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो पर मैं आप लोगों को कंफर्म करा दूंगा। तो पॉसिबिलिटी जो डेट है ना उसको आप लोग सुन के जाओ, क्योंकि शायद हो भी सकता है कि ये कंफर्म हो जाए बाद में जाके। तो देखो जो पॉसिबिलिटी डेट निकल के आया है ना, वो होता है कि आप लोग का फेब्रुआरी मंथ की 22 तारीख को, ठीक है। अभी ये पॉसिबिलिटी डेट है, कोई कन्फर्म डेट नहीं बोल रहा हूँ मैं आप लोग को, सिर्फ इसका पॉसिबिलिटी निकल के आया है तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सारा कॉमेंट करते हो इसके लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखो अभी के डेट पर मैं इसको कन्फर्म नहीं करूँगा कि आप लोग को 22 फेब्रुआरी कोई देखने के लिए मिलेगा, आप लोग इसको पकड़ के मत चलना। मैं आप लोगों को सिर्फ पॉसिबिलिटी डेट निकल के आया था जो उससे बता चुका हूं। अभी डाटा माइनर के भाई लोगों से यही पता चल रहा है कि 22 फरवरी को देखने के लिए मिल सकता है। देखो अभी अगर बात जाके कंफर्म हो जाता है ना, दो एक दिन में कंफर्म होगा, क्योंकि देखो अपडेट कुछ दिन में आने वाला है, तो अपडेट के पहले पहले ही कंफर्म कर देगा गिरिना। उसका बैनर जब निकल के आएगा ना तब मैं दिखाऊंगा, जब तब आप लोग उसको एक्सेप्ट करना कि आप लोग को 22 तारीख को मिलेगा, ठीक है। अभी बैनर के अंदर गिरिना डेट मेंशन नहीं करता है, लेकिन गिरिना आप लोग का अपडेट के टाइम गिरना उसमें डेट को मेंशन कर देगा। और उसका जब बैनर निकल के आएगा तो बैनर भी दिखा दूंगा, तो आप लोग तो वहां से भी कंफर्म कर सकते हो कि आप लोग को जरूर देखने के लिए मिलेगा और कब देखने के लिए मिलेगा, वहां पे भी आप लोग देख लेना। बाकी तो मुझे 2-3 दिन का और टाइम दो यार, ढूंढने में थोड़ा तो मतलब टाइम तो लगता है ना। बोलो इतना बड़ा इवेंट है कोबरा बंडल, तो कोई तो छोटा सा इवेंट नहीं है ना, वो लेजेंडरी सबसे पहला बंडल है जो इसमें यार आप लोग मतलब टीम इमोट वगैरह सब कुछ मिलता है, तो वो पहला बंडल है जो सबसे पहले गेम के अंदर आया था, तो बड़ा इवेंट होने वाला है। तो आप लोग थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं खुद आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊंगा सब, मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर को बताने से पहले ना मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन उसके पहले मेरे भाई को चैनल को ना मतलब आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना पड़ेगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, इसके लिए वीडियो बनाने में ना इतना मेहनत नहीं कर पाता हूँ यार। आप लोग सब्सक्राइब वगैरह करोगे ना तो और भी अच्छा लगेगा। देखो अभी ज़्यादा बाकी नहीं है, मेरा अभी 3,500 होने वाला है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी मतलब सब्सक्राइबर कर दो कंप्लीट। अभी मेरा तो यार 10,000 की मतलब बहुत ही मतलब मैं वेट कर रहा हूँ 10,000 होने की, तो मुझे बहुत पसंद है 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो तभी होगा। तो आप लोगों का सपोर्ट कितना करते हो मैं देखना चाहता हूँ। मैं तो आप लोगों को बहुत सारा सपोर्ट करता हूँ, और कोबरा बंडल के बारे में मैं आप कुछ दिन वेट करो, मेरे को थोड़ा सा मैं आप लोग को कन्फर्म जरूर से बता दूंगा। तो आज की वीडियो बस इतना सही था, कैसा लगता है वीडियो कमेंट करके जरूर से बताना, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।